नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे नाग पंचमी की कथा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे जिनके 7 पुत्र थे और 7ों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की थी, परंतु उसका कोई भाई न था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी बहुएं एक साथ ढलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सांप निकला, बड़ी बहू खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मारने से रोक दिया। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सर्प एक और जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सर्प से कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं जाना मत। यह कहकर सभी बहुएं मिट्टी लेकर घर चली गई और फिर काम काज में व्यस्त होने के कारण छोटी बहू सांप से किया गया अपना वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सभी को साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उसी स्थान पर बैठा देखकर बोली, भैया मुझे माफ कर देना, मैं कामकाज में व्यस्त थी इसीलिए आपसे किया हुआ वादा भूल गई, इस बात के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, तुमने मुझे भैया कहकर पुकारा, आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग लो। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है। अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। कुछ समय बीतने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उनके घर आया और बोला, मेरी बहन को पीहर भेज दो। सब हैरान हो गए क्योंकि यह तो सभी जानते थे कि इसका कोई भाई नहीं है और ना ही कोई पीहर है। तो सर्प बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने रास्ते में छोटी बहू को कहा, मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तुम डरना नहीं। बहन, जहाँ तुझे चलने में कठिनाई हो मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उनके घर पहुंच गई। वहां के धन और ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। यह बात उसे याद न रही और गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बेतरह से जल गया था। यह देखकर सर्प की माता उस लड़की पर बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर पुनः शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर घर से विदा किया। जब वह ससुराल आई तो इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या से कहने लगी, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है और तुम्हें तो उससे और धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुन लिया तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। तभी बड़ी बहू ने कहा, इन सभी को झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तभी सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मोतियों का एक अद्भुत हार लाकर दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी थी। वह राजा से बोली कि सेठ जी की छोटी बहू के पास जो हीरे मोतियों का हार है वह मुझे लाकर दो, मैं पहनूंगी। राजा ने मंत्रियों को हुक्म दिया। तभी मंत्री सेठ जी के घर आए और छोटी बहू से हठ पूर्वक हार लेकर रवाना हो गए। सेठ जी ने भी डर के कारण छोटी बहू का हार राजा जी को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया, भैया रानी ने मुझसे वो हार छीन लिया है, अब तुम ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में पड़े तब वह सर्प बन जाए और जब उसे मैं पहनूं
तब वह हीरे मोतियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया, जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ जी के पास खबर भिजवाई और छोटी बहू को वहां बुलाया। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर वहां उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है जो यह हार रानी के गले में पड़ते ही सर्प बन गया? मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, यह हार कुछ ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरे और मोतियों का रहता है और दूसरे के गले में जाते ही सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अब इसे पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना वह हीरे मोतियों का बन गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्नता पूर्वक वह हार वापिस छोटी बहू को दे दिया और उसे ढेर सारा धन देकर विदा किया। बड़ी बहू ईर्ष्या के कारण छोटी बहू से जलती थी, इसीलिए अपने देवर को सिखा दिया कि छोटी बहू के पास कहां से आया इतना धन। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सही से बता, यह धन तुझे कौन देता है? तब उसने सर्प भाई को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय सर्प ने अपने बहन के पति को सारी बात बताई और साथ में यह भी कहा, आज के बाद मेरी बहन के आचरण पर कोई संदेह करेगा तो मैं उसे खा जाऊंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का स्वागत सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उस दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर सर्प देवता की पूजा करती हैं और राखी बांधती हैं। इसीलिए नाग पंचमी के दिन यह त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार को सब्सक्राइब अवश्य करना। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।